टीजीटी पीजीटी जीआईसी लेक्चरर एलटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट एवं जेआरएफ के लिए भूगोल की बेहतरीन क्लासेस अब मैं लेकर आ रहा हूं आपके अपने एग्जाम तरकस यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हाय फ्रेंड्स, मैं दिनेश यादव एग्जाम तरकस के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही रोचक होने वाली है। लिटरेरी टर्म का आज तीसरा सेशन होगा, तो गाइज एक बार आप लोग अपने स्तर से सेशन को जरूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त। यहां से आपका टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर में तीन आप कह सकते हैं 20 से 25 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। लिटरेरी टर्म से 20 से 25 प्रश्न अवश्य ही पूछ लिए जाते हैं। अदिति जी, शर्मिला जी, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो बहुत ही बेहतरीन टॉपिक होने वाला है। पिछले सेशन में हम लोग कुछ बेहतरीन टॉपिक को देखे, आज हम उसके बाद क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार अपने स्तर से सेशन को जरूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त, और कमेंट करेंगे कि हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है कि नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का होने वाला है। आइए तो हम लोग बात करेंगे। कल का जो क्लास था हम लोग स्टॉप किए थे, कहां पर देखते हैं उसको, ठीक है। एंटी क्लाइमैक्स आज हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। एंटी क्लाइमैक्स आज हम लोगों को पढ़ना है, तो हम लोग आज एंटी क्लाइमैक्स देखेंगे मेरे दोस्त। इसको हम लोग फिगर ऑफ स्पीच में भी एंटी क्लाइमैक्स को देख चुके हैं। तो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। आप सभी लोग एक बार सेशन को मेरे दोस्त जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं एंटी क्लाइमैक्स होता क्या है, ठीक है। एंटी क्लाइमैक्स इंटेंशनल और विलिंग डिसेंट, जानबूझकर हम कोई गलती करें वही एंटी क्लाइमैक्स है। देखिए लिखा है, इट डिनोट्स अ राइटर्स डेलिबरेट ड्रॉप फ्रॉम इट्स सीरियस एंड इलेवेटेड टू ट्रिवियल। देखिए बात हमारी समझिए, यहाँ पर जो राइटर है डेलिबरेट यानी जानबूझ करके उस ड्रॉप फ्रॉम द इट्स सीरियस, इसके सीरियसनेस को, इसके गंभीरता को क्या कर रहा है, जानबूझ करके डिसेंट कर रहा है, ठीक है। एंड इलेवेटेड टू द ट्रिवियल, कहाँ पर, एक ट्रिवियल यानी डिसेंट कर रहा है यहाँ पर तुच्छता के रूप में। एंड लोली इन आर्डर टू अचीव अ कॉमिक या सटायरिक इफेक्ट, ठीक है। कॉमिक या सटायरिक इफेक्ट को प्राप्त करने के लिए वह जानबूझकर सीरियस या इलेवेटेड वर्क को ट्रिवियल बना रहा है यहाँ पर, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। एंटी क्लाइमैक्स जो जानबूझकर डिसेंट होता है, लिखा है विलिंगली डिसेंट, जानबूझ करके वहां डिसेंट किया जा रहा है। तो इसमें देखते हैं, इट डिनोट्स अ राइटर्स डेलिबरेट ड्रॉप फ्रॉम द इट्स सीरियस एंड इलेवेटेड टू द ट्रिवियल, ठीक है। सीरियस और इलेवेटेड स्टाइल को एक ट्रिवियल में वह डिसेंट कर रहे हैं। एंड लोली इन आर्डर टू अचीव, और उसको और लो बना रहे हैं क्या करने के लिए, इन आर्डर टू अचीव कॉमिक या सटायरिक इफेक्ट, कॉमिक अथवा सटायरिक इफेक्ट को पाने के लिए उसको जानबूझ करके क्या बना रहे हैं, ट्रिवियल बना रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे दोस्त, देखेंगे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे दोस्त। लिखा है, व्हाट फीमेल हर्ट कैन गोल्ड, लिखा है डिस्पाइट व्हाट कैट्स अवर्ज टू फिश, यहाँ पर बात कर रहा है व्हाट फीमेल हर्ट कैन गोल्ड डिस्पाइट, क्या औरतें जो आभूषण है आभूषण से घृणा कर सकती हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ कॉमिक इफेक्ट बनाने के लिए यहाँ पर जानबूझ करके डिसेंट किया गया है ट्रिवियल
के फॉर्म में लाया गया है। और बात कर रहा है व्हाट कैट्स एवर्स टू फिश, और जो कैट है वह मछली को जानबूझकर छोड़ सकती है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी कंडीशंस। ठीक है, तो यह चीजें जो होती है वह क्या है, एंटी क्लाइमेक्स है। ठीक है, जानबूझकर जो हम चीजों को ट्रिवियल दिखाएं, तुच्छ दिखाएं, वह क्या होगा, एंटी क्लाइमेक्स होगा। ठीक है, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार अपने स्तर से सेशन को जरूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त। आगे क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं दोस्त, देखते हैं बीट राइटर हम लोग देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन बीट राइटर को यहाँ पर बताया गया है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, बीट राइटर को कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, या तो इसका ईयर पूछ देता है, या इसके बीट राइटर के पोएट्स पूछ देता है, राइटर्स पूछ देता है, या बीट राइटर का मतलब पूछ देता है। तो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है बीट राइटर। तो हम देखेंगे बीट राइटर्स रिफर टू अ ग्रुप ऑफ पोएट्स। ठीक है, और बात करेंगे एंड नॉवेलिस्ट, यह किसका ग्रुप होता है, पोएट्स का और नॉवेलिस्ट का, यह एक ग्रुप होता है बीट राइटर। आगे बात करेंगे इन सेकेंड हाफ ऑफ द 1950 एंड अर्ली 1960, यानी बात करेंगे हम लोग 1950 से लेकर के 1960 की, इसमें बात की जाती है। ठीक है, इस ग्रुप में बीट राइटर के इस ग्रुप में पोएट्स और नॉवेलिस्ट हुआ करते थे। ठीक है, और बात करेंगे एंड अर्ली, सॉरी ये तो हो गया है, हु अपोज टू द प्रिवेलिंग कल्चर। ठीक है, प्रिवेलिंग कल्चर के लिए अपोज क्या करते थे, लिटरेरी एंड मोरल वैल्यूज। ठीक है, जो उनके मोरल वैल्यूज हैं उनको भी, एंड इन फेवर ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आत्म संतुष्टि के लिए और आत्म सम्मान की बात के लिए उनको क्या किया जाता था, वह उन चीज़ों को, कल्चर को, और जो हमारे लिटरेरी वर्क थे, मोरल वैल्यूज थे, इनका जो है कि अपोज लोग किया करते थे। इनको बीट राइटर से मतलब यही है कि उनको कहीं ना कहीं समाज से क्या कर दिया गया था, बहिष्कार कर दिया गया था। तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बनाया। ठीक है, इसमें पोएट्स और राइटर नॉवेलिस्ट थे, इन्होंने अपना ग्रुप बनाया कि हम लोग अपने जो हमारी मोरल वैल्यूज़ है और जो हमारी कल्चर है, इस कल्चर को हमें पाने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यह जो काम किया गया था 1950 से लेकर के 1960 तक मेरे दोस्त। ठीक है, तो जी बिल्कुल, चलिए मनोज प्रजापति, अदिति, अतुल, शर्मिला, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार आप लोग कमेंट करेंगे मेरे दोस्त, एक बार आप लोग अपने स्तर से कमेंट करेंगे और अपने स्तर से सेशन को भी शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है टीजीटी पीजीटी एलटी जीएससी लेक्चरर के लिए। केवीएस के लिए भी क्लासेस ऐप पर चल रही हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ऐप पर जो कि आप जो है कि एग्जाम तर्कस प्ले स्टोर में जाकर एग्जाम तर्कस टाइप करेंगे, ऐप को डाउनलोड करेंगे और इंग्लिश सेक्शन में जाकर के केवीएस पर आप जो है कि परचेस कर लेंगे कोर्स, आपको वहाँ पर केवीएस की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो बहुत ही बेहतरीन ढंग से वहाँ पर क्लासेस चल रही हैं ऐप पर भी। ठीक है, चलिए हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त। तो यहाँ पर बीट राइटर को हम लोगों ने देखा, आगे हम लोग देखते हैं और बीट राइटर के लिए क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर लिखा है दे ऑफन परफॉर्म्ड इन कॉफी हाउसेस, वह कहाँ परफॉर्म करते थे, कॉफी हाउसेस में परफॉर्म करते थे। ठीक है, प्रदर्शन अपना दिखाते थे एंड अदर पब्लिक प्लेसेस, और अन्य जो पब्लिक प्लेस हुआ करते थे वहाँ पर वो परफॉर्म किया करते थे। टू द कंपनीमेंट ऑफ और जाज म्यूजिक ड्रम। ठीक है, वह म्यूजिक ड्रम को बजाते हुए ये सब चीज़ें अपना किया करते थे। तो बात कर रहा है यहाँ पर इम्पोर्टेंट पोएट्स आर एलन गिन्सबर्ग। ठीक है, गिन्सबर्ग इसके इम्पोर्टेंट पोएट्स हैं, ग्रेगरी कोर्सो हैं ETC। तो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन पूछ लिया जाएगा वर्क्स, उसमें से पूछ लिया जाएगा विच एमंग द पोएट्स
did not belong to beat writer, ठीक है, which among poets did not belong to beat writer या beat poets, तो उसमें तीन अलग दे देगा, एक एलन गिंसबर्ग का नाम दे देगा, तो आप लोग जानिएगा, या इस तरह से पूछ देगा वर कि बीट राइटर से, बीट जो राइटर होते हैं उनमें कौन सा बिलोंग कर रहा है, राइटर दे देगा, तीन अलग दे देंगे, एक एलन गिंसबर्ग को दे देंगे, जो यही हमारा सही होगा। तो कई बार यह एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है मेरे दोस्त, ठीक है जी। सुजीत सिंह को नोटिफिकेशन नहीं आया है, अब बताएंगे मनोज जी किस टाइप का नोटिफिकेशन, तभी मैं कंफर्म करा पाऊंगा, अन्यथा नहीं करा पाऊंगा, ठीक है मनोज जी, आप बात को कंफर्म करेंगे। चलिए तो आइए हम लोग बात करते हैं, बायोग्राफी देखेंगे मेरे दोस्त। कई बार बायोग्राफी से, इस बार टीजीटी, इस बार आप लोग जान लीजिएगा टीजीटी 2021 और 2016 में टीजीटी बायोग्राफी से कई सारे प्रश्न पूछे गए थे मेरे दोस्त। आप पेपर प्रीवियस ईयर का उठा लीजिएगा, आप देखिएगा यहाँ बायोग्राफी से बहुत सारे प्रश्न, बहुत हमको लगता है 2 से 3 प्रश्न बायोग्राफी से ही पूछ लिया था, 2 से 3 प्रश्न बायोग्राफी से ही पूछ लिया था। तो आप लोग बायोग्राफी को देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न पूछा गया था। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी अभ्यर्थी पार्टिसिपेंट्स बायोग्राफी को बढ़िया ढंग से पढ़े थे, अच्छे ढंग से, तो वह बायोग्राफी वाला क्वेश्चन जो है कि बहुत आसानी से कर गए थे, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसको, पहले देखेंगे बायोग्राफी को किसने डिफाइन किया है, तो जॉन ड्रॉयडेन। यहीं भी इसी तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि बायोग्राफी को किसने डिफाइन किया है, या हु डिफाइंड बायोग्राफी, जॉन ड्रॉयडेन, सैमुअल जॉनसन, और भी कई हमारे राइटर्स या पोएट्स के नाम दे देंगे, नॉवलिस्ट के नाम दे देंगे जो हमको कंफ्यूज करेगा। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जॉन ड्रॉयडेन है, कौन है, जॉन ड्रॉयडेन है मेरे दोस्त, ठीक है जी। मनोज जी लिंक तो मैं ग्रुप में शेयर कर दिया हूँ, ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनसे, सुजीत जी से आप नंबर लेकर मुझे सेंड करिएगा, मैं ग्रुप में उनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको उनको वहाँ से लिंक्स मिल जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। तो जॉन ड्रॉयडेन डिफाइन बायोग्राफी एज द हिस्ट्री ऑफ पर्टिकुलर मेन्स लाइफ, ठीक है, विशेष व्यक्ति के जीवन की यह कहानी होती है बायोग्राफी, ठीक है, किसी भी विशेष व्यक्ति के जीवन की कहानी या इतिहास ही बायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। बात करेंगे ग्रीक राइटर प्लूटार्च पैरेलल लाइफ्स ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस नॉर्थ, ठीक है, इसको फिर से हम लोग देखेंगे, इस पॉइंट को फिर से हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, इस पॉइंट को फिर से देखेंगे। कह रहा है यहाँ पर ग्रीक राइटर प्लूटार्क पैरेलल लाइफ्स, यह जो इनका वर्क है, ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय थॉमस नॉर्थ, ठीक है, थॉमस नॉर्थ के द्वारा यह जो इनका प्लूटार्क साहब का पैरेलल लाइफ्स वर्क है, उसको इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, ठीक है, इसको उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था मेरे दोस्त। तो आइए आगे हम लोग चलेंगे, देखेंगे इसको हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त। देखिए, इट वॉज सोर्स ऑफ शेक्सपियर्स रोमन प्ले, यह विलियम शेक्सपियर के रोमन प्ले का सोर्स हुआ करता था, ठीक है। यह जो प्लूटार्क का जो वर्क है, वह विलियम शेक्सपियर का रोमन प्ले का क्या हुआ करता था,
आप लोग बताइएगा क्या हुआ करता था, सोर्स हुआ करता था। तो हम लोग विलियम शेक्सपियर पढ़ेंगे, तो रोमन प्ले जब पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कहाँ यह सोर्स कहाँ से लिया गया है, सारी चीज़ें वहाँ पर डिटेल स्टडी करेंगे, बहुत ही मज़ा आएगा। तो मज़ा अब भी आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप लोग बस हमारे ऐप से जुड़िए, हमारे ऐप से जुड़िए, टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए और मुझसे जुड़िए। आप लोगों को मैं एकदम बिल्कुल विश्वास दिला रहा हूँ। चलिए तो देखते हैं, दूसरा देखेंगे सैमुअल जॉनसन्स का वर्क है लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। यह इनका सैमुअल जॉनसन का बहुत ही बेहतरीन वर्क है लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स। आगे बात करेंगे, तीसरा देखेंगे जेम्स बोसवेल्स का लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन, ठीक है, यह बायोग्राफी है, ठीक है, यह सब क्या है, बायोग्राफी है। तो हम लोग आगे देखेंगे मेरे दोस्त, देखते हैं, ठीक है जी। शिवानी जी आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग, मनोज शिवानी, अतुल, अदिति। चलिए तो बात करेंगे, तो सैमुअल जॉनसन्स का लाइफ्स ऑफ इंग्लिश पोएट्स, जेम्स बोसवेल का लाइफ्स ऑफ सैमुअल जॉनसन्स यह वर्क है। ठीक है तो आइए हम लोग अगले पॉइंट पर चलेंगे मेरे दोस्त, देखेंगे हेजियोग्राफी। हेजियोग्राफी हम लोग देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पीजीटी में बना हुआ है। हेजियोग्राफी से आप लोग प्रीवियस ईयर का उठाकर देख लीजिएगा मेरे दोस्त, हेजियोग्राफी से पेपर बना हुआ है, क्वेश्चन बना हुआ है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे। लिखा है इट इज लाइफ्स ऑफ क्रिश्चियन संत ऑफन बेस्ड मोर ऑन पियस लीजेंड्स देन ऑन फैक्ट, ठीक है। यह जो होता है वह क्रिश्चियन या संत के जीवन पर आधारित कथाएं होती हैं जो बिल्कुल पियस होती हैं, लीजेंड होती हैं, पौराणिक होती हैं और पवित्र मानी जाती हैं, ठीक है। हेजियोग्राफी इसी को कहते हैं, जिसमें क्रिश्चियन और संत की कहानियां होती हैं जो बिल्कुल पवित्र और पौराणिक होती हैं, क्लियर। तो ये चीज़ें आपको हेजियोग्राफी आपको समझ में आ गया होगा, मुझे पक्का विश्वास है। चलिए आगे क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आप सभी लोग एक बार सेशन को जरूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त, एक बार सेशन को आप लोग जरूर शेयर करेंगे। और मैं आपको ऐप की भी बात बता दूं, जो लोग हमारे ऐप से नहीं जुड़े हैं आप वहाँ बिल्कुल हमारे ऐप से आप लोग जुड़िए, ठीक है। हमारे ऐप से आप लोगों को जुड़ना है, प्ले स्टोर में जा कर के एग्जाम तर्कस, ठीक है, एग्जाम तर्कस आपको टाइप करना है और उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इंग्लिश सेक्शन में जा कर के जो भी आपको कोर्स परचेस करना है आप कर सकते हैं। इस समय केवीएस का बहुत ही बेहतरीन क्लासेस ऐप पर चल रही हैं, और आप लोगों को मैं बता दूँ केवीएस का जो एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी पीजीटी से पहले हो जाएगा, मुझे पक्का विश्वास है। अभी मैं बता दूं यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम के बारे में, तो अभी तक जो है चयन बोर्ड में मेंबर की नियुक्ति नहीं हो पाई है, तो दोस्त आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना जल्दी चयन बोर्ड एग्ज़ाम करा लेगा। आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चयन बोर्ड एग्ज़ाम कितना जल्दी करा लेगा, बिल्कुल नहीं। अभी आपको मैं जो डेट बताया था अप्रैल जून, वह मान कर चलिए इससे पहले चयन बोर्ड एग्ज़ाम करा ही नहीं पाएगा, कोई संभावना ही नहीं बनती है, उससे पहले आपका केवीएस का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही गोल्डन अवसर है, गोल्डन चांस है, दो दो एग्ज़ाम, तीन तीन एग्ज़ाम आपके साथ पड़े हुए हैं, तो उन एग्ज़ाम में सबसे बेहतरीन केवीएस का है, ठीक है, केवीएस में। और बाकी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ऐप पर आप लोग जाइए देखिए, वहाँ पर क्लासेस आपको बहुत बेहतरीन ढंग से मिल रही हैं। तो आप लोग हमारे सेक्शन को, जो इंग्लिश सेक्शन में आप जा कर के जो भी टीजीटी पीजीटी केवीएस एलटी जो भी आपको परचेस करना है कोर्स, आप उसको परचेस कर लीजिए।
नोट्स की मैं बात कर रहा हूँ, पूरी तरह से नोट्स बनकर तैयार हो गया है दोस्त। जिन लोगों का रिक्वायरमेंट आया था, शायद आज या कल तक उनको डिलीवर कर दिया जाएगा। और भी जिन लोगों को यदि क्वेरी है नोट्स की, UPTGT PGT LT GIC लेक्चरर की, तो आप इस नंबर पर, दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है, नोट्स बनकर बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार हो गया है नोट्स। आप नोट्स को परचेस कर सकते हैं, TGT के लिए है, PGT के लिए है, LT के लिए है, GIC लेक्चरर है। ठीक है, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप नोट्स को, जो खुद मेरे हाथ से लिखा गया है और बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, मैं आपको एकदम विश्वास दिला रहा हूँ कि आप प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम पेपर देख लीजिएगा, आप हमारे नोट से मिला लीजिएगा, या तो आने वाले एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनसे मिला लीजिएगा। अगर आपको 95% अगर आपको वहीं से मैटर नहीं मिल जाएगा तो आप लोग कहिएगा, बिल्कुल एकदम आश्वस्त होकर के आप उस नोट को परचेस करिए। बहुत ही बेहतरीन वर्क बहुत ही बेहतरीन वर्क किया गया है नोट्स पर, बहुत ही बेहतरीन वर्क किया गया है मेरे दोस्त। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे लिखा क्या है, बोम्बास्ट देखेंगे, बोम्बास्ट में क्या होता है। देखिए, इट इज अ लैंग्वेज फुल हाई साउंडिंग। ठीक है, इसमें फुल हाई साउंडिंग को बताया गया है, मीनिंगलेस वर्ड्स ETC, और इसमें जो वर्ड्स होंगे एकदम बिल्कुल मीनिंगलेस होंगे बोम्बास्ट में। ठीक है, क्या होंगे, बिल्कुल मीनिंगलेस होंगे। पलक, शिवानी, मनोज, अतुल, अदिति, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। एक बार अपने स्तर से सेशन को जरूर शेयर करेंगे मेरे दोस्त। आगे इसमें लिखा है, इट इज़ फ्रिक्वेंट कंपोनेंट ऑफ हीरोइक ड्रामा। ठीक है, यह हीरोइक ड्रामा के क्या है, कंपोनेंट माना जाता है। ऑफ लेट 17th सेंचुरी एंड अर्ली 18th सेंचुरी, यानी 17वीं शताब्दी और 18वीं जो शताब्दी है, ठीक है, उसके यह लेट हीरोइक ड्रामा का कंपोनेंट इसको माना जाता है, किसको, बोम्बास्ट को। ठीक है, इसमें मीनिंगलेस वर्ड्स की बात की जाती है, हाई साउंडिंग की बात की जाती है, किसमें दोस्त, बोम्बास्ट में। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, ऑटोबायोग्राफी देखेंगे मेरे दोस्त, बहुत ही बेहतरीन यह भी टॉपिक है, ऑटोबायोग्राफी देखेंगे हम लोग, ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे। लिखा है, इट इज बायोग्राफी रिटन बाई सब्जेक्ट अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, यानी स्वयं के द्वारा लिखी गई कहानी क्या कहलाती है, ऑटोबायोग्राफी कहलाती है। स्वयं के द्वारा, अपने आप के द्वारा जो लिखी गई कहानी है, ठीक है, या जीवनी है, वह क्या कहलाएगी, ऑटोबायोग्राफी कहलाएगी, आत्मकथा कहलाएगी। ठीक है, मेमोवा देखेंगे हम लोग, मेमोवा देखेंगे यहां पर। ठीक है, आइए देखते हैं मेमोवा। इट इज ऑथर्स डेवलपिंग ऑन द पीपल एंड इवेंट, या ऑथर्स का डेवलपिंग है, एक प्रोग्रेस है, बात कर रहा है किस पर, ऑन द पीपल, पीपल पर, एंड इवेंट, घटनाओं पर, डैट द ऑथर हैज नोन, जिससे जो ऑथर है क्या होता है, नोन होता है, परिचित होता है, और विटनेस्ड होता है, या उसका साक्षी होता है, वही मेमोवा है। ठीक है, आगे देखेंगे मेरे दोस्त, डायरी या जर्नल देखेंगे, डायरी या जर्नल देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है इसको देखेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, डायरी या जर्नल को हम लोग देखेंगे, तो एक बार आप लोग अपने स्तर से सेशन जरूर शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे दोस्त कि जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है कि नहीं, एक बार आप लोग जरूर से कमेंट करेंगे मेरे भाई। ठीक है, एक बार आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, देखते हैं होता है इसमें, आइए देखते हैं।
इट इज अ डे टू डे रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट इन वंस लाइफ, अपने जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं का जो रिकॉर्ड होता है वह डायरी या जर्नल होता है। फॉर पर्सनल यूज, अपने यूज के लिए, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए होना चाहिए। एंड सेटिस्फैक्शन विथ लिटिल, जिससे हमको थोड़ी सी संतुष्टि मिल सके। नो थॉट ऑफ पब्लिकेशन, और उसका कोई पब्लिकेशन का विचार न हो, ठीक है, वह ऐसी बातों को डायरी में अपना जो है कि लिखा जाता है। तो यहाँ पर फिर देखेंगे, इट इज अ डे टू डे, दिन प्रतिदिन की जो रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट, रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट इन वंस लाइफ, अपने जीवन के इवेंट का दिन प्रतिदिन का वह रिकॉर्ड होता है। फॉर पर्सनल यूज, अपने पर्सनल यूज के लिए किया जाता है। एंड सेटिस्फैक्शन विथ लिटिल, और थोड़ा वहाँ पर हमें संतुष्टि भी मिलती है, और उसका उद्देश्य पब्लिकेशन के लिए नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है, उसका उद्देश्य पब्लिकेशन के लिए बिल्कुल नहीं होता है। आगे बात करेंगे, मोस्ट फेमस डायरिस्ट, सबसे फेमस डायरिस्ट जिनको माना जाता है वह सैमुअल पेपीज हैं। कौन है? सैमुअल पेपीज हैं एंड जॉन एल्विन है, ठीक है। तो सैमुअल पेपीज को बेस्ट डायरिस्ट माना जाता है, और जॉन एल्विन को भी बेस्ट डायरिस्ट माना जाता है, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, हम लोग आगे चलते हैं, क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। आइए, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपके सामने है, ब्लैंक वर्स, ठीक है। क्या है ब्लैंक वर्स? तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो जॉन मिल्टन का जो हम लोग एक वर्क पढ़े थे, जॉन मिल्टन का एक वर्क पढ़े थे, सबसे जो ग्रैंड स्टाइल में लिखा गया था, ठीक है, वह कौन था? पैराडाइज लॉस्ट था, जो 1658 में जॉन मिल्टन साहब लिखना शुरू कर देते हैं। 65 में 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद 65 में जाकर के वह कंप्लीट होता है। 67 में 10 बुक में वह पब्लिश होता है। जब वह फिर रीअपियर्ड होता है तो 12 बुक में होता है, जो 1674 ईस्वी में होता है। उसका जो थर्ड एडिशन आता है 1678 ईस्वी में आता है। जो वह बुक है पैराडाइज लास्ट, वह ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है। किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। और विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करेंगे तो प्रिल्यूड भी, जो 14 बुक में प्रिल्यूड है, वह क्या लिखी गई है, किसमें लिखी गई है, वो भी ग्रैंड स्टाइल में है, लेकिन वह भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, ठीक है, वह भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो आइए हम लोग बात करेंगे, ब्लैंक वर्स को देखते हैं होता क्या इसमें। ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ याम्बिक पेंटामीटर, ठीक है, उसमें वह जो लाइन होती है क्या होती है? याम्बिक पेंटामीटर होती है। इसमें बताया गया है 5 स्ट्रेस याम्बिक वर्स, ठीक है, 5 स्ट्रेस याम्बिक वर्स होता है उसमें। आगे बात कर रहा है विच आर अनराइम्ड, और जो उनकी लाइन होती है क्या होती है ब्लैंक वर्स में? अनराइम्ड होती है, ठीक है। ब्लैंक वर्स में वह लाइन क्या होती है मेरे दोस्त? अनराइम्ड होती है, ठीक है। तो एक बार हम लोग सेशन को जरूर शेयर करेंगे हम लोग दोस्त। चलिए बात करते हैं, हम लोग बात करते हैं, आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लिखा है ब्लैंक वर्स कंसिस्ट ऑफ लाइन ऑफ याम्बिक पेंटामीटर विच आर अनराइम्ड, जो लाइनें होती हैं वो क्या होती हैं? अनराइम्ड होती हैं। इसमें याम्बिक पेंटामीटर की बात कर रहा है, 5 स्ट्रेस याम्बिक वर्स होता है। आगे बात करेंगे, ब्लैंक वर्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई अर्ल ऑफ सरे इन हिज ट्रांसलेशन ऑफ वर्जिल्स, ठीक है, हम बात करेंगे। तो ब्लैंक वर्स को इंट्रोड्यूस किसने किया था? अर्ल ऑफ सरे किए थे। कहाँ किए थे? वर्जिल्स के द बुक एनीड में, ठीक है, एनीड में। आगे हम लोग बात करेंगे, देखेंगे दोस्त, इट बिकेम द स्टैंडर्ड मीटर फॉर एलिजाबेथन, यह एलिजाबेथन के लिए स्टैंडर्ड मीटर बन गया था। एंड लेटर पोएटिक ड्रामा, और बाद में
किसके लिए? पोएटिक ड्रामा के लिए यह स्टैंडर्ड बन गया था मेरे दोस्त। आगे बात करेंगे, जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स। देखिए बहुत ही बेहतरीन बात, मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ और यहाँ भी बता रहा है कि जॉन मिल्टन यूज्ड ब्लैंक वर्स फॉर हिज एपिक पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, यही बात मैं कर रहा था कि पैराडाइज लिखना शुरू करते हैं 1658 में। ठीक है, कंप्लीट कब होता है? 1665 में, 7 साल के कड़ी मेहनत के बाद, 7 ईयर्स के कड़ी मेहनत के बाद यह जाकर के कंप्लीट होता है। और बात करेंगे दोस्त, यह फर्स्ट टाइम पब्लिश होता है 1667 में, 10 बुक्स में पब्लिश होता है मेरे दोस्त। और उसके बाद में सेकेंड टाइम में यह रीअपियर होता है 1674 में, 12 बुक्स में रीअपियर होता है। फिर उसके बाद में इसका जो थर्ड एडिशन आता है वह कब आता है? 1678 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जॉन मिल्टन का बहुत ही बेहतरीन एपिक माना जाता है पैराडाइज लास्ट, तो वह किस में लिखा गया है दोस्त? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे, आगे देखेंगे और क्या बताया जा रहा है इसको भी हम लोग देखेंगे दोस्त। लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ फॉर हिज ऑटोबायोग्राफिकल प्रिल्यूड। देखिए मैं बताया था कि जो इनके प्रिल्यूड था जो कितने बुक में लिखा गया था? 14 बुक्स में। प्रिल्यूड कितने बुक में? 14 बुक्स में लिखा गया था, जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल था और वह भी ब्लैंक वर्स में। आगे बात करेंगे अल्फ्रेड टेनिसन फॉर इडिल्स ऑफ द किंग, यह भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। रॉबर्ट ब्राउनी का वर्क है द रिंग एंड द बुक, यह भी ब्लैंक वर्स में है। आगे बात करेंगे टी एस इलियट साहब का द वेस्ट लैंड। ठीक है, कॉलरीज की बात करेंगे, द वेस्ट लैंड कॉलरीज फॉर फ्रॉस्ट एट मिडनाइट, जो कॉलरीज लिखे हैं फ्रॉस्ट के लिए, कॉलरीज है का जो वर्क है इनका फ्रॉस्ट एट मिडनाइट। वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है टेंटर एबी, वह भी ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग ब्लम्सबरी ग्रुप। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे? ब्लम्सबरी ग्रुप देखेंगे मेरे दोस्त। तो आइए हम लोग बात करते हैं, देखते हैं ब्लम्सबरी ग्रुप को हम लोग देखते हैं। ब्लम्सबरी ग्रुप इज द नेम अप्लाइड टू अ इनफॉर्मल एसोसिएशन ऑफ राइटर्स आर्टिस्ट। इसमें राइटर्स आर्टिस्ट और हम लोग देखेंगे इंटेलेक्चुअल, मेनी ऑफ हुम लिव्ड इन ब्लम्सबरी। ठीक है, यह एक स्थान है। ठीक है, वहाँ पर राइटर्स आर्टिस्ट और जो भी विद्वान जन थे वहाँ रहा करते थे। ठीक है, और लिखा है अ रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट इन सेंट्रल लंदन। ठीक है, सेंट्रल लंदन का वह रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है। तो ब्लम्सबरी ग्रुप में देखेंगे तो वह एक लंदन का, मध्य लंदन का रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट भी माना जाता है, जिसमें आर्टिस्ट पोएट्स और जो विद्वान हुआ करते थे वहाँ रहा करते थे। ठीक है, ब्लम्सबरी ग्रुप। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्त बुकोलिक को देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन इसमें भी बताया गया है। यह प्रश्न पीजीटी के एग्जाम में बुकोलिक पूछा गया है। लिखा है यहाँ पर इट इज ए पेस्टोरल पोयम ग्रीक फॉर हर्ट्समैन। ठीक है, यह पेस्टोरल पोयम होता है ग्रीक के लिए, जो हर्ट्समैन के लिए कहा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे मेरे दोस्त, आगे हम लोग देखेंगे बोर्जिस ड्रामा को हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है बोर्जिस ड्रामा को, इसको देखेंगे हम लोग। चलिए देखते हैं, अ वर्ड वाइडली यूज टू डिस्क्राइब द मॉडर्न रियलिस्टिक ड्रामा डीलिंग विद द प्रॉब्लम्स ऑफ मिडिल क्लास कैरेक्टर्स।
इसमें जो है बॉर्जिस ड्रामा में प्रॉब्लम को क्रिएट किया जा रहा है, मिडिल क्लास कैरेक्टर के जो प्रॉब्लम है उसको इसमें बताया जाता है बॉर्जिस ड्रामा में। लिखा है दिस ब्लम्सबरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिगैन टू, ब्लम्सबरी का थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर आ गया है मेरे दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ठीक है, ब्लम्सबरी का यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आ गया, इसको देखते हैं। दिस ब्लम्सबरी ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स बिगैन टू मीट अराउंड, यहाँ पर लिखा है 1905 फॉर कन्वर्सेशन अबाउट द आर्ट्स एंड इशूज इन फिलोसॉफी, ठीक है, आर्ट और इशूज के बारे में वह कन्वर्सेशन करते थे फिलोसॉफी में। लिखा है इट्स मेंबर्स हु अपोज द नैरो पोस्ट विक्टोरियन रेस्ट्रिक्शंस इन बोथ द आर्ट एंड मोरेलिटी इंक्लूडेड द नॉवलिस्ट वर्जीनिया वुल्फ एंड एम फोस्टर, ठीक है, ब्लम्सबरी ग्रुप के यही फेमस राइटर हैं। ठीक है, तो आइए अब लोग हम लोग देखेंगे बुक फॉर्मेट को देखेंगे मेरे दोस्त, यहाँ पर हम लोग बुक फॉर्मेट को देखेंगे। ठीक है, लिखा है फॉर्मेट सिग्निफाइज द अदर फिजिकल फीचर्स ऑफ पेज साइज शेप एंड बुक, यानी उसका जो फिजिकल फीचर्स है, फिजिकल गुण है किसके, बुक फॉर्मेट के, उसमें पेज है, साइज है, शेप है और बुक है। ठीक है, तो आइए देखेंगे, हम देखेंगे फोलियो, हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे, पहला फोलियो। तो देखिए यहाँ पर लिखा है अ सीट इज फोल्डेड वंस, जो सीट एक बार फोल्ड की जाती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनटू टू लीव्स, दो लीव्स में। ठीक है, किसी चीज को, सीट को दो लीव्स में यदि हम फोल्डेड कर दें, फोल्ड कर दें, वही हमारा फोलियो हो जाएगा। आगे बात करेंगे, दूसरे की बात करेंगे हम लोग, क्वार्टो, दूसरा क्या है, क्वार्टो, इसको हम लोग देखेंगे दोस्त, क्वार्टो को अ सीट फोल्डेड ट्वाइस इंटू फोर लीव्स, दो बार यदि हम उसको फोल्ड कर दें और वह कितने भागों में बढ़ जाए, चार भागों में। एक बार तो पहले आप लोग फोल्ड किए हैं, फिर दोबारा करेंगे, एक बार करेंगे तो दो भाग में बटेगा, जब दो बार करेंगे तो कितने भाग में बढ़ जाएगा, चार भाग में बढ़ जाएगा, जिसको हम लोग क्वार्टो कहते हैं। आगे देखिए ऑक्टो, ऑक्टो को कितने भागों में बांटा गया है देखते हैं, अ सीट फोल्डेड थर्ड टाइम्स, तीन बार इसको हम लोग फोल्ड कर देंगे और वह जाकर के कितने भाग में बढ़ जाएगा, एट लीव्स में बढ़ जाएगा। ठीक है, आठ भाग में वह बढ़ जाएगा मेरे दोस्त। आगे हम लोग बात करेंगे दोस्त, देखेंगे, ठीक है, आगे देखेंगे, लिखा है डियोडेमिको, डियोडेमिको यह क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे, अ सीट इज फोल्डेड सो एज टू मेक 12 लीव्स, इसको हम लोग ऐसा फोल्ड करें कि उसमें कितने लीव्स आ जाएं, 12 लीव्स आ जाएं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे दोस्त, रेक्टो देखेंगे, रेक्टो को हम लोग देखेंगे, यहाँ पर लिखा है द पेज ऑन द राइट साइड, दाहिने साइड का जो पेज है इज कॉल्ड रेक्टो, उसको क्या कहेंगे, रेक्टो कहेंगे, यानी किसी बुक के दाहिने साइड का जो पेज होता है उसको रेक्टो कहेंगे और जो लेफ्ट साइड का होता है, बाएं साइड का होता है, उसको वर्सो कहेंगे। ठीक है, लिखा है द पेज ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड वर्सो, ठीक है, लेफ्ट साइड को क्या कहेंगे, वर्सो कहेंगे और राइट साइड को रेक्टो कहेंगे। इस चीज को आप लोगों को जानना बेहद जरूरी है। चलिए हम लोग देखेंगे बोल्डराइज, देखेंगे बोल्डराइज होता क्या है, इसको देखेंगे, आइए चलिए देखते हैं। लिखा है द वर्ड डेराइव फ्रॉम थॉमस बोल्डर, थॉमस बोल्डर के द्वारा यह वर्ड डेराइव किया गया है, हु टैडीड अप हिज फैमिली शेक्सपियर इन, इनका वर्क है फैमिली शेक्सपियर, इनका वर्क है, ठीक है, इन 1818 यानी 1818 में उन्होंने एक वर्क लिखे हैं, थॉमस बोल्डर
फैमिली शेक्सपियर बाय ओमिटिंग, इसमें ओमिट कर रहे हैं व्हाट एवर इज अनफिट टू बी रेड बाई अ जेंटलमैन इन अ कंपनी ऑफ लेडीज, ठीक है, बोल्डराइज है, ठीक है। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें जो लेडीज की कंपनी है उसमें जेंटलमैन को बताया गया, अनफिट बताया गया है। तो वहीं पर फैमिली शेक्सपियर जो इन्होंने लिखा है वहीं पर इसको दर्शाया गया है। आगे बात देखेंगे, क्लास को देखेंगे, बोल्डराइजेशन देखेंगे। आइए, तो इसमें होता क्या है, टू डिलीट पैसेजेस फ्रॉम अ लिटरेरी वर्क, लिटरेरी वर्क से जो पैसेज डिलीट कर दिया जाता है, डेट आर कंसिडर्ड यहां पर लिखा बाय द एडिटर के द्वारा, वह जानबूझकर जो पैसेज डिलीट कर दिया जाता है वह बोल्डराइजेशन होता है। इनडेसेंट इनडेलिकेट आर अनफिट टू बी रेड बाई अ जेंटलमैन टू अ कंपनी ऑफ लेडीज, लेडीज के कंपनी में जो जेंटलमैन चीजों को न पढ़ पाए या जो चीजें पढ़ने योग्य न हो, ऐसे चीजों को जब हम डिलीट कर दें या कोई एडिटर डिलीट कर दे तो वह क्या हो जाएगा, बोल्डराइज हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग जोनाथन स्विफ्ट गुलिवर्स ट्रेवल, ठीक है, यह वर्क है जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो 1756 में यह लिखते हैं, एंड द अरेबियन नाइट्स एज वेल एज, और दूसरा इनका वर्क है अरेबियन नाइट्स है जोनाथन स्विफ्ट सर का। तो आगे हम लोग देखेंगे, क्लास को आगे हम बढ़ा रहे हैं हम लोग दोस्त, देखते हैं, शेक्सपियर्स प्लेस आर ऑफन बोल्डराइज्ड इन एडिशंस इंटेंडेड फॉर यंग, ठीक है, यंग के लिए उसमें बहुत ऐसे पैसेजेस हैं जो जानबूझ करके बोल्डराइज कर दिया गया है, यानी एडिट कर दिया गया है, सॉरी डिलीट कर दिया गया है। आगे हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त बर्लेस देखेंगे। बर्लेस हास्यजनक कृति होती है, बर्लेस क्या होता है, यहां पर हिंदी में भी लिखा है हास्यजनक कृति, बर्लेस क्या होता है, हास्यजनक कृति होती है मेरे दोस्त, लिखा है बर्लेस इज रिटेन टू मेक अ फन ऑफ सम सीरियस वर्क, किसी सीरियस वर्क का मजाक उड़ाने के लिए बर्लेस लिखा जाता है, ठीक है। इट इमिटेट्स द मैनर, यह मैनर को इमिटेट्स करता है। आगे बात कर रहा है फॉर्म एंड स्टाइल, जिसमें फॉर्म एंड स्टाइल होती है, और सब्जेक्ट मैटर अथवा सब्जेक्ट मैटर को इमिटेट करता है ऑफ अ सीरियस लिटरेरी वर्क, ठीक है, किसी सीरियस लिटरेरी वर्क का, बट मेक्स इमिटेट एम्यूजिंग बाई अ, इसमें आनंद प्राप्त करने के लिए लिखा है बाई अ रिडिकुलस, यानी डिस्पेरेटली बिटवीन द मैनर एंड द मैटर की बात कर रहा है। तो आइए देखते हैं इसमें यहाँ पर हिंदी भी बताया गया है, किसी सीरियस वर्क का मजाक उड़ाने के लिए कोई अन्य हास्यजनक वर्क लिखा जाए, ठीक है, वहीं बर्लेस होता है, ठीक है। किसी भी सीरियस वर्क का मजाक उड़ाने के लिए, ठीक है, मजाक उड़ाने के लिए कोई अन्य हास्यजनक वर्क लिखा जाए, ठीक है, हास्यजनक वर्क लिखा जाए, वहीं क्या है, बर्लेस है, ठीक है, वहीं क्या है मेरे दोस्त, वहीं बर्लेस है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे हाई बर्लेस में होता क्या है, देखते हैं इसको हम लोग, लिखा है पैरोडी इमिटेट्स द सीरियस मैनर, इसमें सीरियस मैनर का पैरोडी होती है, एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, और किसका, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स का ऑफ ए पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क, किसी विशेष लिटरेरी वर्क का, ठीक है मेरे दोस्त। आगे बात करेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग, एग्जाम्पल है हेनरी फील्डिंग्स का जोसेफ एंड्रूज, ठीक है, हेनरी फील्डिंग का जोसेफ एंड्रूज है, जो पैरोडीड किया गया है सैमुअल रिचर्डसन का जो एक वर्क है, वह कौन, पामेला से इसको पैरोडी वहां पर किया गया है, हेनरी फील्डिंग का वर्क है जोसेफ एंड्रूज, वह पैरोडी किया गया है किससे, सैमुअल रिचर्डसन के पामेला वर्क से, ठीक है, किससे,
पामेला वर्क से। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दोस्त। चलिए, यहाँ पर दूसरी भी बात बताई गई है, हार्टले कॉलरीज पैरोडीड फर्स्ट स्टेंजाज ऑफ वर्ड्सवर्थ, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। ठीक है, इसकी भी पैरोडी किया गया है। अब मॉक इपिक हम लोग देखेंगे या मॉक हीरोइक देखेंगे, इस टॉपिक को हम लोग देखेंगे और इसी टॉपिक के बाद हम लोग क्लास को ऑफ करेंगे मेरे दोस्त। तो आइए देखते हैं, ठीक है, मॉक इपिक क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। आइए, लिखा है इट इज अ पैरोडी ऑफ सीरियस फॉर्म ऑफ एपिक। एपिक के सीरियस फॉर्म की यह पैरोडी की जाती है। ठीक है, किसी भी एपिक हो उसकी पैरोडी जब की जाती है वही हमारी मॉक इपिक है। मॉक का मतलब ही होता है मजाक उड़ाना। ठीक है, एपिक एपिक, ठीक है, किसी महाकाव्य का हम यदि मजाक उड़ाएं तो वह क्या हो जाएगा, मॉक इपिक हो जाएगा या मॉक हीरोइक हो जाएगा। लिखा है इट्स थीम इज ट्रिवियल, इसके जो थीम होते हैं ट्रिवियल होते हैं, लेकिन एपिक का जो थीम होता है ग्रैंड होता है, इसका ट्रिवियल होता है, पेटी होता है, बट इट्स स्टाइल इज ग्रैंड, लेकिन इसकी स्टाइल ग्रैंड होती है, लॉफ्टी होती है और एपिकल होती है, लेकिन जो इसका जो सब्जेक्ट मैटर है थीम है वह ट्रिवियल होता है, पेटी होता है। ठीक है, इस बात को आप लोग विशेष ध्यान देंगे मेरे दोस्त। आगे है एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे, अलेक्जेंडर पोप्स का द रैप ऑफ लॉक। ठीक है, द रैप ऑफ लॉक, इसमें बेलिंडा रहती है। यहाँ पर एक तो एकदम बिल्कुल एपिक की तरह लिखा गया है, लेकिन जब चीज़ों को आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि एकदम यह इसको मॉक बना दिया गया है, किसी एपिक का यह मॉक बनाया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, मॉक एपिक हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर पोप का बहुत ही बेहतरीन वर्क है द रैप ऑफ लॉक, यह क्या है, मॉक एपिक है। ठीक है, एंड ड्राइडेन का है मैक फैक्नो। ठीक है, एक ड्राइडेन का वर्क है जॉन ड्राइडेन का मैक फैक्नो, वह भी क्या है, मॉक एपिक है। ठीक है दोस्त, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ऑफ करेंगे दोस्त। इससे पहले आप करने से पहले आप सभी को मैं एक जानकारी अवश्य दे दूं। ठीक है, जानकारी यह है कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए जो एग्जाम तर्कस इंडिया के नाम से है, आप उस पर डेली क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद केवीएस का क्लास ऐप पर चल रहा है, टीजीटी पीजीटी 2022 का ऐप पर क्लासेस चल रही हैं, तो आप ऐप पर जा कर के प्ले स्टोर में जाइए, एग्जाम तर्कस टाइप करिए और आपको इंग्लिश सेक्शन में जा कर के, ठीक है, इंग्लिश सेक्शन में जा कर के वहाँ आपको कोर्स परचेस कर लेना है। तो आप लोग इतना तो ज़रूर कर सकते हैं, कंटेंट भी आप लोगों को बहुत बेहतरीन मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। अभी बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुआ, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका, ऑनलाइन पढ़ाने का जो अनुभव है धीरे धीरे अब आने लगा है, तो चीज़ें अब और भी बेहतर होती जाएंगी। तो आप लोगों को बिल्कुल घबराना नहीं है, कंटेंट आपको बेहतरीन मिल रहा है, सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे ढंग से मिल रही है, और हमारी जो टीम है एग्जाम तर्कस एकदम बिल्कुल टीचिंग के लिए बनी हुई है, जो हर संभव प्रयास करके अपना बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रही है मेरे दोस्त। ठीक है, बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रही है। तो आप सभी लोग हमारे ऐप से ज़रूर जुड़िएगा, एग्जाम तर्कस, आप प्ले स्टोर में जाएंगे, एग्जाम तर्कस टाइप करेंगे और आप उसको डाउनलोड करेंगे और इंग्लिश सेक्शन में जा कर के आप कोर्स को परचेस करेंगे। ठीक है, और नोट्स की मैं एक बार बात बता दूँ फिर से कि नोट्स कम्प्लीटली तैयार हो चुका है, एकाध दो लोगों का, जितने लोगों का क्वेरी आया है लगभग में कल उनका डिलीवर हो जाएगा। तो जिन लोगों को टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी, ठीक है, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी के लिए नोट्स यदि चाहिए, टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी लेक्चरर के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट,
इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए नोट्स उपलब्ध है, आप दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं मेरे दोस्त, और आप वहां से परचेस कर सकते हैं। कांटेक्ट करके आप क्वेरी यहां से कर सकते हैं, सारी डीलिंग यहां से